नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के इटावा में आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अशोक दोहरे ने आज अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ जिलाध्यक्ष उद्भान यादव भी मौजूद रहे, जहां प्रत्याशी ने आज अपने मीडिया के साथ पार्टी की घोषणा पत्र जारी किया, जहाँ प्रत्याशी ने कहा कि हम इटावा की जनता के लिए पंचनदा नदी पर पर्यटन स्थल बनाएंगे, इटावा से औरैया के लिए रेलवे लाइन की शुरुआत करेंगे, रोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, आवारा पशुओं से हो रही फसल को नुकसान का सरकार मुआवजा भी देगी। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो हम सारे वादे पूरा करेंगे। इस स्तर पर घोषणा पत्र जारी किया गया है। जब जब हम लोकसभा के आम चुनाव में जाते हैं, जब जब भी विधानसभाओं के आम चुनाव में जाते हैं, तो पार्टी अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है और जारी करने के बाद जब जब हमें इस देश की जनता का द्वारा हमें विश्वास मिलता है, यानी हमें हमारी सरकार बनती है, तो जो हम अपने घोषणा पत्र में वादे करते हैं वो 100% हम खरे उतरते हैं। अभी कुछ महीने पहले इस देश में विधानसभाओं के भी चुनाव हुए थे और ख़ास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में खास तौर से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, हमने जो वादे किए थे उन वादों को पूरी तरीके से निभाने का काम किया। क्योंकि अब इस देश में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और आम चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें खास तौर से महिला अधिकार, किसान, रोजगार यानी युवाओं को रोजगार, न्याय एवं स्वास्थ्य की बात कही गई है। और जिस तरीके से हमने घोषणा पत्र में वादा किया है, हमारी केंद्र में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार के मुखिया जो श्री राहुल गांधी जी होंगे, वो पूरी तरीके से अपने घोषणा पत्र को सरकार बनने के बाद लागू करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी लंबे अंतराल से जब से कांग्रेस की सरकार गई और खासतौर से इटावा का सांसद नहीं बना। बेसा इटावा से राहुल तिवारी की खास रिपोर्ट।